ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि विष्णु भगवान बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज से माल लदवा करके दूसरे देशों को जाया करता था और खुद भी जहाजों के साथ दूर देशों में जाया करता था। इस तरह से वह खूब धन कमा करके लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मजे से चल रही थी। वह दान पुण्य भी खूब खोल कर करता था, परंतु उसकी इस दान पुण्य से उसकी पत्नी तंग आ चुकी थी। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह किसी को एक दमड़ी भी दे करके खुश नहीं थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भर करके किसी दूसरे देश को गया था तो पीछे से बृहस्पति देव भगवान जो है साधु का रूप धारण करके उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की यात्रा की। उस व्यापारी ने जो है पत्नी बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ ही नष्ट करता है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सभी धन नष्ट हो जाए। इससे न तो धन लुटेगा और न ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास बहुत सा धन है तो तुम दिल खोल करके पुण्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ और यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों का कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में अविवाहित बैठी हुई हैं, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी अनेक पुण्य कार्य हैं जिनको करके तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री जो है बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस विषय से आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। बृहस्पति देव भगवान बोले, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम सात बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीप करके पीली मिट्टी से अपने केसों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कह करके बृहस्पति देव भगवान अंदर ध्यान हो गए। उस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार सात बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने का निश्चय किया। किंतु छह गुरुवार बीतने पर ही उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर जो है माल से भरा उसका पति जहाज द्वारा जो है समुद्र के मार्ग से आ रहा था और उसी में डूब गया। उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी की तख्तों पर बैठ करके अपनी जान बचाई। वह रोता धोता अपने नगर में वापस पहुंचा। वहां जाकर के उसने देखा कि उसका सब कुछ धन नष्ट हो गया है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री से सब समाचार पूछा। लड़की ने पिता को उस साधु बृहस्पति देवता वाली पूरी कहानी कह दी। उसने पुत्री को शांत किया। अब वह दिन प्रतिदिन जो है जंगल में जाया करती थी। वहां से लकड़ियां चुन लाता था और वह उन्हें ले जा करके नगर में बेच करके अपनी जीविका चलाने लगा, मगर वह गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। एक दिन उसकी पुत्री से जो है दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास इतना पैसा नहीं था कि उसको जो है दो पैसे दही ला करके देता। लकड़हारा उसे आश्वासन दे करके जंगल में जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी पूर्व दशा को विचार करने करके रोने लगा। वह गुरुवार का दिन था। बृहस्पतिवार भगवान बृहस्पति देवता उसकी यह अवस्था देख करके साधु का रूप धारण करके उस व्यापारी के पास आ पहुंचे और कहने लगे, लकड़हारे, तो इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जाने वाले हैं। इतना कह करके उसने अर्धकंड द्वारा और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी आप बीती हुई कहानी सुना दिया। बृहस्पति देवता भगवान कहते हैं, कहे भाई, तुम्हारी पत्नी गुरुवार के दिन जो है भगवान का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। तुम्हारा सब कुछ धन नष्ट हो गया, लेकिन तुम अब किसी प्रकार की कोई चिंता ना करो। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान कर देंगे। तुम मेरे कहे अनुसार गुरुवार के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। दो पैसे के चने और मुनक्का मंगवा करके जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डाल करके वह अमृत प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को तथा सुनने वालों को बांटो और खुद ही अमृत पान किया करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देख करके उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से इतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं दो पैसे की दही ला करके अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज जो है झूठा आश्वासन दे करके टालता रहता हूँ। बृहस्पति भगवान बोले कि भक्त नाराज, तुम ना चिंता करो ना नाराज हो। आगामी अगले गुरुवार को बृहस्पतिवार को तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन जो है लकड़ियों के चार पैसे अधिक मिल जाएगी, जिसमें से तुम दो पैसे का दही ला करके अपनी पुत्री को खिलाना और दो पैसे का मुनक्का और चना ला करके गुरुवार के दिन जो है देवता की कथा करना। जल में जरा सा शक्कर
चीनी डाल करके अमृत बनाना और कथा का प्रसाद जो है सब में बांट देना और खुद भी खाना, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहा करके बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। गुरुवार के दिन उस व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और सारण बेचने के लिए गया। उसको जो है उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिनमें से 2 पैसे की दही ला करके उसने अपनी लड़की को दिया और 2 पैसे के चने और मनक का ला करके अमृत बना करके प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सब कठिनाइयां दूर हो गई। परंतु अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया और कथा सुनना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, इसलिए जो है कोई भी व्यक्ति अपने घर पर में अग्नि नहीं जलाएगा और चूल्हा नहीं जलाएगा, कोई कुछ नहीं पकाएगा, समस्त जनता मेरे यहाँ आकर के भोजन करेगी। इस आदेश की अवहेलना करेगा तो उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन जो है सब लोग राजा के महल में भोजन करने गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की जो है दोनों तनिक विलंब से पहुंचे। इतना ही हो, राजा ने उन दोनों को अपने महल में के अंदर ले जाकर के भोजन करवाया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि जो है उस खूंटी पर पड़ी, जिस पर जो है उसका नौलखा हार लटका हुआ था। उस खूंटी पर अब हार नहीं था। महारानी को विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी लड़की खेले गए हैं। फौरन सिपाहियों को बुलवा करके दोनों बाप बेटी को कैद करवा करके जेल खाने में डाल दिया। कैद खाने में पड़ करके बाप बेटी दोनों अत्यंत ही दुखी हुए। वहाँ इन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हो गए और व्यापारी से कहने लगे, महाराज भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया है। परंतु तुम किसी प्रकार की कोई चिंता ना करो, बृहस्पति देवता जो है प्रसन्न हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे, तुम उसे पैसे उठा करके चने और मुनक्का मंगवा लेना और फिर विधिपूर्वक से बृहस्पति देवता का पूजन करना और कथा करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास जो है 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी, व्यापारी ने उसे बुला करके कहा कि बाजार से उसे 2 पैसे के मुनक्का और चना ला करके दे दीजिए ताकि मैं बृहस्पति देवता का कथा कर सकूँ। इस पर जो है उस स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मैं बृहस्पति भगवान को क्या जानूँ। इतना कह करके वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उस स्त्री को बुलवा करके प्रार्थना की, बहन, तुम मुझे बाजार से 2 पैसे का चना और मक्का ला कर दे दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वह स्त्री जो है बृहस्पति देवता का नाम सुनकर के बोली, बलिहारी जाऊँ वीर भगवान के नाम पर मैं तुम्हें अभी मलक्का और चना ला करके देती हूँ। मेरी इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब जो है पहले तुम्हारा काम करूँगी तो उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊँगी। उस स्त्री की ने व्यापारी से 2 पैसे के लिए और बाजार से चने में मलक्का ले आई और जो है स्वयं बृहस्पति देवता की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद स्त्री और अपने पुत्र के लिए कफन लेकर के अपने घर को रवाना हुई तो देखा कि लोग जो है उसके बेटे की लाश को जो है राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे थे। उस स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई मुझे जो है अपने लाडले का मुख देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। तब उस स्त्री ने जो है अपने मृत पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने से के साथ ही उसका पुत्र बैठा और अपनी माता को गले से लगा कर मिला। दूसरी स्त्री जिसने जो है बृहस्पति देवता का निरादर किया था, तो जब वो अपने पुत्र के विवाह के लिए जो है कपड़े लेकर के वापस लौटी और उसका पुत्र जो है घोड़ी पर बैठ करके बारात में निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा तथा बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षणों के पश्चात जो है मर गया। तब वह स्त्री रो रो करके बृहस्पति देवता से कहने लगी कि हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरे अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुन करके बृहस्पति भगवान ने साधु का रूप धारण करके कहा और कि उस स्त्री से बोले कि हे देवी, अधिक विलाप करने से कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने जो है गुरुवार यानी बृहस्पति देव का अपमान किया, भगवान का अपमान किया, जिसके कारण जो है इसका परिणाम मिला है। तुम जेल खाने के पास जाकर के भक्त से क्षमा याचना करो, उससे जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और जो है मुख्य द्वार के पास जाकर के उस व्यापारी से हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, मुनक्का और चने ला करके तुम्हें दे दिए हैं, इससे जो है गुरुवार देवता मुझसे नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मुझे मेरा इकलौता लड़का घोड़ी से गिर करके मर गया है। व्यापारी ने कहा, माता, तू चिंता मत कर, बृहस्पति देवता का सब कल्याण करेंगे। तुम अगले गुरुवार को जो है अगले बृहस्पतिवार को देवता की कथा सुनना, तब जो है अपने पुत्र के शव को जो है फूल और इत्र और सुगंधित घी पदार्थों में रख दो। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार का दिन
दिया पहुंचा वहां दो पैसे के नकाव चले लेकर के पवित्र जल पावा लौटे भर करके जेल के द्वार पर आ गई और श्रद्धा के साथ जो है बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत प्रसाद लेकर के अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। अचानक उसकी सांस जो है आने लगी और वह जो है उठ करके खड़ा हो गया। पुत्र को लेकर के वह महिला खुशी से अपने घर को रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेलखाने में बंद कर रखा है वह दोनों निर्दोष हैं। अब दिन निकलने के साथ ही दोनों को जेल से रिहा कर दे और तेरी रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका मिल जाएगा। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका देखा। राजा ने उस व्यापारी को जेल से रिहा करके अपने अपराध के लिए उससे क्षमा मांगी और उसको जो है अपना आधा राज्य दे करके तथा उसकी लड़की का उस कुल में विवाह कर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं जैसे जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने से जो है व्यक्ति रोग मुक्त हो और निर्धन हो धनवान हो जाता है, निपुत्र पुत्रवान होता है। यह ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, जीवन सुखमय होता है, मन की चिंताएं जो है दूर हो जाती हैं। जो कोई श्रद्धा और प्रेम से बृहस्पति भगवान की कथा पढ़ता है दूसरों को सुनाता है उसकी समस्त इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। प्रथम कथा संपूर्ण हुई। जय जय भगवान बृहस्पति।